देवास जिले के सोनकच्छ क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के चलते पहले ही किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। ऐसी स्थिति में अब सोयाबीन की फसल की बर्बादी ने किसानों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सोनकच्छ क्षेत्र में बहुत से गांवों में अफलन की स्थिति बनी हुई है। कई खेतों में सिर्फ पौधे ही नजर आ रहे हैं जिसमें फलियां नहीं है। फसल में फल न होने कारण किसान अपनी हरी फसल पशुओं को काट कर खिला रहा है। किसानों द्वारा बताया गया कि हमारे गांव और महावर खेड़ी साधु खेड़ी टुंगनी से किसानों को पिछले साल भी फसल बीमा नहीं मिला और इस साल भी हमारी सोयाबीन की फसल 99% बांझ हो गई, जिसके कारण हम सभी कृषक गणों की आर्थिक स्थिति अत्यधिक ख़राब हो जाएगी और भविष्य में हमारे परिवार का भरण पोषण करने में काफ़ी परेशानी आएगी। पीड़ित किसानों ने बताया कि संबंधित अधिकारी पटवारी से जांच करवाकर पंचनामा बनवाएं और हमारी फसल बीमा हमें दिलवाएं। इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ देवेंद्र खन्ना की रिपोर्ट। ये सर हमारे गांव में खेरिया जागीर तहसील सोनकच्छ जिला देवास, यहां पे सोयाबीन सब बांझ रह गई है। ये सब सोयाबीन काट काट के किसान पशुओं को खिला रहे हैं। आसपास के गाँव में भी सभी बांझ की शिकायत आ रही है, तो हम चाहते हैं कि इसका अधिकारी इसके लिए यहाँ आए और इसका सर्वे करे। पूरी फसल नष्ट हो गई है, किसान परेशान है। दो साल से हमारे यहाँ बीमा भी नहीं आया है, तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि यहाँ के सर्वे हो इसका। तो आपको फसल बीमा नहीं मिला क्या पिछली बार? मिला सर, दो साल हो गए जी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।